हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन। ओके, सो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें निकालनी है। और आज हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट की वजह से, डाइपोल की वजह से या बार मैग्नेट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करनी है। ओके फाइन, टॉपिक डालिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ब्रैकेट बार मैग्नेट। बच्चों, इसके पहले आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट अ सर्टेन पॉइंट। अब आप मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और यू कैन से ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ओके, सो यू हैव अ गिवन मैग्नेटिक डाइपोल, आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल रहेगा, सिंपली एक बार मैग्नेट रहेगा। सो दिस इज योर साउथ नॉर्थ, एक बार मैग्नेट ले लो या मैग्नेटिक डाइपोल कह लो, जो भी कहना हो कह लो। ओके, ये आपका साउथ नॉर्थ बार मैग्नेट। ओके, ये इसका न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है बेटा, एक्सिस कहलाता है। ये तो एक्सिस होती है, द इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइनिंग द साउथ टू नॉर्थ पोल इट्स कॉल्ड एक्सिस, एंड इन बिटवीन दिस इज व्हाट न्यूट्रल पॉइंट, ओ इट इज डिनोटेड बाय ओ। द इफेक्टिव लेंथ इज 2L, और यू कैन सी द मैग्नेटिक लेंथ बिटवीन द टू पोल्स इज 2L, ये 2L होती है। सो आधी कितनी हो जाएगी बेटा, L, हाफ इज L एंड नेक्स्ट हाफ इज L। ओके बच्चों, मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी कि जो साउथ पोल होता है वो इक्विवेलेंटली बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव चार्ज, एंड द नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंटली बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेचर वाइज अपोजिट होते हैं। ओके, क्लियर हुआ। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कैपिटल एम, वो कहा जाता है साउथ टू नॉर्थ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल, मैंने एम ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है बेटा इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लो, क्योंकि हमें एक्सियल पॉइंट लेना है बेटा। तो इसके एक्सिस पर मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अध्ययन करना है। इसके एक्सिस पर मैंने कोई पॉइंट पी ले लिया, सपोज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर बी एक्स, इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। अब आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर, ठीक है ना। वैसे कल मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था बेटा, बी का, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू एम अपॉन एक्स का स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस, याद आया ना। तो कल ये हमने पढ़ा था बी का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से निकलेगा। आइए देखते हैं। तो बेटा दो पोल है यहाँ पे, एक नॉर्थ है और एक क्या है, साउथ है। बेटा ये नॉर्थ जहां पे भी इंटेंसिटी निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या करते थे, वी कीप देयर पॉजिटिव यूनिट चार्ज। यहाँ पे क्या पुट करोगे, यूनिट नॉर्थ पोल, वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल, गॉट। सो जस्ट प्लेस हियर यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब एजम्पशन मान के चलो बेटा यहाँ पर आपने वन नॉर्थ रखा हुआ है, यू हैव कीप कैप्ट हियर यूनिट नॉर्थ। नाउ ड्यू टू दिस नॉर्थ पोलरिटी द फील्ड विल बी एमिटेड आउट, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फील्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ना बेटा, यस और नो। सो ये बनेगा बेटा बी नॉर्थ, ये क्या बनेगा, बी नॉर्थ आगे की तरफ जाएगा। और अब इसके कारण निकालो बेटा, इसके कारण साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, तो पीछे की तरफ खींचेगा ना। तो यहां पे क्या कर दूंगा बेटा, बी साउथ, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब आप देखिए नॉर्थ का वेक्टर बड़ा बनाया है मैंने एंड साउथ का क्या बनाया है, छोटा। क्यों बनाया है बता सकते हैं आप, बिकॉज नॉर्थ पास में है तो नॉर्थ की इंटेंसिटी हायर होगी और साउथ दूर है ना, तो साउथ की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब चलिए हम देखते हैं बी नॉर्थ की इंटेंसिटी फॉर्मूला लिखते हैं। बेटा बी का फॉर्मूला मैंने कल क्या पढ़ाया था, बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू कैपिटल एम पोल स्ट्रेंथ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो यहां पर मेरे दो फॉर्मूले बनने वाले हैं बेटा, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं बी नॉर्थ का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन
फोर पाई म्यू नॉट अपॉन फोर पाई बेटा पुल स्ट्रेंथ दोनों की क्या होती है इक्वल होती है, बस नेचर वाइज अपोजिट होती है बट इक्वल तो होती है ना, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई लेट पुल स्ट्रेंथ ऑफ दिस पुल बी एम अपॉन डिस्टेंस, देख बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो यहां से यहां तक की कितनी बचेगी एक्स माइनस एल, सो इट वुड बी एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, क्लियर ना। एंड सेकेंड जो बनेगा, सेकेंड जो बनेगा बी साउथ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, आर यू एग्री बेटा, यहां से यहां एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर ना। अब बेटा देखो बी वन बी नॉर्थ और बी साउथ जो है अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के, नॉर्थ फॉरवर्ड है और साउथ क्या है बैकवर्ड है, तो ध्यान से देखना, यदि मैं कहूं बी एट पॉइंट बी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बी एट पॉइंट बी इक्वल टू बी नॉर्थ का मैग्नीट्यूड फॉरवर्ड माइनस बी साउथ का मैग्नीट्यूड, एग्री नॉट एग्री, क्लियर हो गया ना, बी नॉर्थ एंड बी साउथ, नॉर्थ में से साउथ माइनस हो रहा है, वाई बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ बी नॉर्थ इज ग्रेटर देन बी साउथ, क्योंकि बी नॉर्थ के डिनोमिनेटर में एक्स माइनस एल आ रहा दैट इज लेस, और इसमें क्या रहा एक्स प्लस एल दैट इज मोर, तो इसके आने से ये छोटा हो जाएगा, दूरी बढ़ रही है और ये इसके कम आने से ही बड़ा हो जाएगा, समझ में आया नहीं है नाउ, सो इट इज द वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड एट बी एट पी इज इक्वल टू बी नॉर्थ का वैल्यू बेटा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर, यस एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर बेटा। बेटा कॉमन ले लो, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई भी कॉमन आ रहा है, साथ में एम भी कॉमन आ रहा है, क्या बचा वन अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एंड माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ओके टाइम टू टेक द एलसीएम, ओके एलसीएम लेंगे, हेलो व्हाट सी एम, ओके सो नाउ सॉल्व इट, इक्वल्स टू म्यू नॉट एम अपॉन फोर पाई एलसीएम बेटा दिस विल कम हियर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलसीएम के लिए a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स इन साइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडरस्टूड समझ में आया। नाउ बेटा देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, देखो बेटा इसको ओपन करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस में जाएगा एल स्क्वायर माइनस में जाएगा और टू एक्स एल माइनस में था वो किसमें जाएगा प्लस में, एक बार अच्छे से देखो बताओ क्या नहीं है समझ, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा परेशान कर रहा है, अलग से कर दूं क्या, यदि इसको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया कैंसिल, टू एक्सएल टू एक्सएल कितना हो गया फोर एक्सएल, सो ये बचा बेटा इट वुड बी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई फोर एक्स एल, एम तो भूल ही गए सर, एम ये था फोर एक्सएल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब देख बेटा यहाँ पे म्यू नॉट ठीक है फोर पाई ठीक है, बेटा मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 टू जो 4 2 इंटू 2 तो 2 के साथ मैंने इस m को ले लिया और इस l को ले लिया 2ml, याद आया 2ml को क्या बोलते थे मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 2l, और साथ में क्या बच गया बेटा 2 और साथ में क्या बच गया x, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, so b at point p magnitude is equals to mu not upon 4 pi बेटा ये 2 इज इक्वल टू इसकी जगह क्या आ गया बेटा कैपिटल m into कितना x upon x square minus l square का होल स्क्वायर, समझ में आ गया,
ये इसका है स्केलर फॉर्म या मैग्नीट्यूड फॉर्म। अब हमें वेक्टर लगाना है बेटा, तो देखो वेक्टर में देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन यू थी और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जा रही है वो भी तो ऐसे जा रही है, मतलब जो डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की वही डायरेक्शन उसकी है। लगे यहां को दे दो वेक्टर तो क्या लग जाएगा, एम के ऊपर वेक्टर लग जाएगा, इसके ऊपर भी वेक्टर आ जाएगा, पता चल जाएगा जो बी का वेक्टर है वो एम का वेक्टर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। क्लियर? सो आई एम राइटिंग हियर वेक्टर फॉर्म बी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू कैपिटल एम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, हियर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। व्हाट, आ गया समझ में ना? तो ये हुआ इसका कंप्लीट डेरिवेशन, नाउ इसको लिख लीजिए बेटा। तो बच्चों ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका, सेम टू सेम हमने किया था इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, याद आया? इसके बाद हम इसमें स्पेशल केस करते थे इफ द डाइपोल इज वेरी स्मॉल, याद आया? अगर डाइपोल स्मॉल होगा तो x कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो जाएगा और l क्या हो जाएगा, नन्ना मुन्ना हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे केस बनाइए, फॉर स्मॉल डाइपोल या स्मॉल मैग्नेट भी लिख सकते हो, क्योंकि जो मैग्नेट है वो डाइपोल है। सो फॉर स्मॉल डाइपोल एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, फॉर स्मॉल डाइपोल या कंसिडरेशन इज एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, सो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटेड एज एज एक्स स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटेड एज एक्स स्क्वायर। सो बेटा आ जाओ बी पी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू कैपिटल एम कैपिटल एक्स, बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एल स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, सो आई मेड इट एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा हुआ है ना। सो बी एट पी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू एम एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, एक पावर है बेटा, बाई एक पावर से एक पावर कैंसिल, 3 पावर बचेंगी। सो बी एट पॉइंट पी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू कैपिटल एम अपॉन एक्स का क्यूब, डन। ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन की बात करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बी पी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू एम वेक्टर अपॉन एक्स का क्यूब। नोट कीजिए ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन और ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। डन, ओके। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ओके, या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्लियर है? एट ए पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ अ मैग्नेट। अब हमें इक्विटोरियल लाइन पे एक कोई पॉइंट कंसिडर किया है, उस पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड कह दो। बात एक ही है, हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं। इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। ये एक बेटा मैंने बना लिया मैग्नेट, अब थोड़ा बड़ा नहीं बना रहा हूं क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे ही समझ लो बेटा। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ एम होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस तरफ जाता है बेटा, साउथ टू नॉर्थ, बीच में न्यूट्रल पॉइंट, टोटल डिस्टेंस एल होती है, दिस हाफ इज, सॉरी टोटल डिस्टेंस इज 2L, दिस हाफ इज एल एंड दिस हाफ इज ऑल्सो एल, ओके बेटा। इक्विटोरियल मतलब इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर से जाने वाला ये एक लाइन हो गई, इसके इक्विटोरियल में आप कोई पॉइंट ले लो, थोड़ा सा सही बना दूं, फाइन टेढ़ा मेढ़ा चला लेना, ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ बेटा यहां पर कोई इंटेंसिटी आपको निकालनी है इस पॉइंट पे, ये इसके इक्विटोरियल पर कोई पॉइंट हो गया बेटा, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी लगती है वहां पे पॉइंट पी मान लो, और वहां पे क्या प्लेस करते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल, क्या प्लेस करते हैं,
यूनिट नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रिसिटी में क्या प्लेस करते थे? यूनिट चार्ज, याद आया। अब यहां पे आपने यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस किया। चलिए देखिए यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस करेंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? L। ये डिस्टेंस कितनी होगी? L। इस डिस्टेंस को कितना मान ले बच्चे? X मान लो, याद आया, इसको X मान लो। अब देखिए इसके कारण इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी, इसके कारण इस पॉइंट को कैसी इंटेंसिटी देगा? ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? ये साउथ है, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे रखा यूनिट, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज बी ड्यू टू साउथ, बी ड्यू टू साउथ। क्लियर हुआ? यस। ये थीटा ले लो बेटा, तो बी साउथ हो गया, बैक साइड में आएगा, यहाँ पे थीटा ले लिया अपन ने। अब बी साउथ के मैं दो कंपोनेंट यदि ब्रेक कर दूं, कैसे? अगर ये थीटा है बेटा तो ये क्या बनेगा? थीटा। तो ये बी साउथ का ये कंपोनेंट क्या टूटेगा? दैट इज इक्वल टू बी साउथ मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। कंपोनेंट हमेशा लेंथ का टूटता है, एंड लेंथ इज अ मैग्नीट्यूड, लेंथ इज अ मैग्नीट्यूड। तो बी एस कॉस थीटा टूट गया, यस एग्री। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या टूटेगा बेटा? मॉड ऑफ बी एस साइन थीटा, मॉड ऑफ बी एस साइन थीटा, एग्री। चलिए नेक्स्ट नॉर्थ का देखिए, नॉर्थ के कारण ये जो है वेक्टर बेटा, इसको कैसे करेगा? रिपेल, यस और नो? दिस इज बी नॉर्थ। अब ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा बेटा? थीटा, क्योंकि ये एल है तो ये भी एल है ना, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर में वैसे भी आइसोसेलस ही बनता है ट्रायंगल, तो ये थीटा हो गया बेटा। ये एंगल भी कितना होगा? इसका दूसरा कंपोनेंट यहां जो जाएगा बेटा, वो टूटेगा बी नॉर्थ कॉस थीटा, एंड यहां की तरफ टूटेगा क्या? बी नॉर्थ साइन थीटा। एग्री नॉट एग्री? दिस डिस्टेंस इज एल, दिस डिस्टेंस इज एक्स, सो बाय द पाइथागोरस सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, वे क्या बनेगा बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एग्री की नॉट एग्री? क्लियर हो गया ना? अब चलिए दोनों के मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बी साउथ के और बी नॉर्थ के, दोनों के डायरेक्शन तो अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए तो ये लिख लिया मैंने बी नॉर्थ का मैग्नीट्यूड, और नीचे लिख लिया मैंने बी साउथ का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, दूरी है ना। चलो फाइन, तो भाई फॉर्मूला तो ठीक है, लिखता हूं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू एम अपॉन, देख बेटा यहां से नॉर्थ की वजह से ये डिस्टेंस कितनी है? आर है, तो आर स्क्वायर जो कि बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, इसकी होल स्क्वायर भी सेम होगी एम, डिस्टेंस कितनी है आर, जो ये आर इधर हो गया इधर, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे वाह, बी नॉर्थ और बी साउथ मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम है, डायरेक्शन वाइज अलग अलग है मगर मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम है। इसकी इस बात का फायदा उठा करके बी एस साइन थीटा और बी एन साइन थीटा भी क्या होंगे? इक्वल। सो बी एन साइन थीटा एंड बी एस मॉड साइन थीटा, बोलो बेटा। वैसे मॉड लगाया जाए तो हमेशा वेक्टर लगा लेना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्टली बिना वेक्टर लगाए ये लिखो ऐसे, ये मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा मेरे, इसको यहां लगाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि मॉड तब लगाओ जब वेक्टर ले रहे हो, तब मॉड लगाओ, नहीं तो वो मॉड ही कहलाता है। जैसे आप लिखो वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मॉड आइदर या तो आप वेक्टर ए मॉड लिखो या सीधे आप ए लिख दो, ये मॉड ही काउंट होगा, समझ रहे हो ना, ये मॉड ही काउंट होगा। तो इसलिए यदि बेहतर दिखाना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, ठीक है ना, मतलब जब मॉड लगा रहे तो वेक्टर लगाओ, पता चले कि हाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां मॉड बी एन साइन थीटा एंड मॉड बी एस साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, से यस नहीं, इक्वल है अपोजिट है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, आर इक्वल एंड अपोजिट,
सो कैंसिल ईच अदर, दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो बेटा देखो रिजल्टेंट फील्ड कैसे निकलेगा इस पॉइंट बी पर, तो बीपी जो रिजल्टेंट फील्ड निकलेगा बेटा, बीपी का फील्ड का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा इक्वल टू इसका इसका सम निकलेगा, यानी कि कितना बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, यस और नो, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। और सौभाग्य से बी एन मॉड और बी एस मॉड की वैल्यू सेम आई है, तो इसको मैं टू टाइम्स लिख सकता हूँ, क्योंकि cos theta दोनों का सेम है। तो ये क्या लिख सकता हूँ बेटा, दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ मॉड बी एन cos ऑफ थीटा, ये आ गया बी पी का मैग्नीट्यूड, डन, वेरी गुड। चलिए भैया बी पी का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं हम, तू तो ठीक है, बी एन की वैल्यू रख दो, क्या है बेटा बी एन की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यस कॉस थीटा कितना बेटा एल, बेस है एल, हाइपोटेनस कितना है आर, आर क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं एक बार, एल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेटा कंबाइन कर लो 2 को m को l को, 2ml कंबाइन करने पर क्या मिलेगा कैपिटल m, याद आया, सो ऑन कंबाइनिंग 2ml यू विल हैव कैपिटल m, सो bp मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ml बिकम्स कैपिटल m, एंड वी मे राइट हियर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2, सर 3/2 कहां से आ गया बेटा, ये फुल पावर, एक पावर और आधा पावर, एक और आधा अपनी भाषा में बोलते हैं डेढ़ बोले तो 3/2, समझ गया ना, 3/2 आ गया बेटा समझ में। तो ये बीपी का मैग्नीट्यूड हो गया, बीपी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब चलिए डायरेक्शन वाइज लिखते हैं, यस डायरेक्शन वाइज लिखते हैं, सो डायरेक्शन वाइज लिखने के लिए बेटा देखो जो डायरेक्शन जा रही है फाइनली वो जा रही है बैक साइड किसके, इसके एम के, एम ए लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखना बेटा साउथ टू नॉर्थ, उसका एरो ऐसा है और इसका एरो कैसा है, ऐसा है, आया समझ में। चलो लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना दिमाग की घंटी बजे तो बजाना, बताना मुझे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस एम वेक्टर एग्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, आया समझ में जी, क्लियर हो गया ना, क्योंकि ये बैक साइड जा रहा है इसलिए माइनस एम लगा दिया, क्लियर हुआ ना, और मैग्नीट्यूड वाइज यही चलेगा। चलिए इसका एक और केस, व्हेन मैग्नेट इज वेरी स्मॉल, जब मैग्नेट क्या हो वेरी स्मॉल, जब मैग्नेट स्मॉल होगा तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा ना, तो फॉर्मूला में डायरेक्टली इसको लिख के लिख रहा हूँ, बीपी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स का क्यूब, डन, आया समझ में, क्या फर्क आ रहा है एक्सएल और इक्वेटोरियल में, एक्सएल में वहां पर यहाँ पे 2 आ रहा था और इक्वेटोरियल में क्या आ रहा है 1, मतलब कि जो एक्सएल होता है वो इक्वेटोरियल का जस्ट डबल होता है, क्लियर, जो एक्सएल होता है याद रखिएगा कैपिटल एम इक्वल्स स्मॉल एन टाइम्स ऑफ 2L, इसको हम 2ml भी बोल लेते हैं भाई, ओके सो क्या सीखने को मिला बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एक्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, बट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन द मैग्नेटिक फील्ड एक्स अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट काम करता है, ओके ओके गाइस, मेक द नेक्स्ट हेडिंग टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल सॉरी टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके सो हेडिंग इज टॉर्क टी ओ यू आर क्यू यू ई
ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल और यू कैन से बार मैग्नेट, बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, सो दिस इज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों टॉर, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई मैग्नेट रखा है या मैग्नेटिक डाइपोल रखा बाकी की है उस पे लगने वाला टॉर। देखो बेटा क्या है, मान लो ये आपके पास कोई मैग्नेट रखा हुआ है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एक है साउथ और एक है नॉर्थ, ये वाला पोल है साउथ बेटा और ये पोल है नॉर्थ, और इसे आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। ये है एक बढ़िया सा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया ना बच्चों, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर, है ना, डायरेक्शन भी सेम है, इंटेंसिटी हर जगह पे सेम है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चों आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था, एफ इक्वल टू क्यू ई, ई था फील्ड, क्यू था चार्ज, लगता था फोर्स कितना, एफ इक्वल टू क्यू ई, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड रखता था इंटर डायरेक्शन ऑफ फील्ड, याद आया, हाँ बेटा सेम टू सेम, क्यू की जगह कौन ले लेते हैं यहाँ पे प्लेस, एम पोल स्ट्रेंथ, फील्ड क्या होता है बेटा बी, तो फोर्स कितना लगता है, एफ इक्वल टू एम बी, तो बेटा इस चार्ज पर फोर्स लगेगा नॉर्थ, चार्ज बोल गया मैं, नॉर्थ पर फोर्स लगेगा कितना बेटा, एम इंटू बी, यस और नो। अब पोलरिटी के मामले में इसकी पोलरिटी अपोजिट होती है साउथ पोल की, बट मैग्नीट्यूड तो सेम होता है पोल स्ट्रेंथ का, तो इसका भी फोर्स लगेगा बैक साइड में एम इंटू बी, याद आया, तो दो फोर्स यहाँ पे लगने लग गए एम बी करके, बट इक्वल है और अपोजिट है, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, आपको मैंने बताया था, क्लियर है ना बेटा, ये इसका सेंटर पॉइंट है। देखिए ये मैग्नेट जो है कितना एंगल बना रहा है इसका, थीटा एंगल, ये मैग्नेट जो है कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। अब जो है इसके कारण ये फोर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन के हैं लग रहे हैं, इनकी एक्शन लाइन भी अलग अलग है, तो ये क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे ना, घुमाना मैग्नेट को क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, क्लियर हुआ। चलिए देखो बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस तरफ सेट होगा, इस तरफ कैपिटल एम वेक्टर साउथ टू नॉर्थ, पढ़ा है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यस सो आई एम रीडिंग हियर, रेफर द नोट्स, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एम बी एक्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर वर्किंग सो द नेट फोर्स वुड बी जीरो सो देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन, यस जब भी टोटल फोर्स जीरो होता है तो कभी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, ओनली देयर इज रोटेशनल मोशन, ओके, हाउएवर द फोर्स एक्टिंग अलोंग द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन वर्क्स एंड दे कंस्टिट्यूट अ कपल, दे कंस्टिट्यूट अ कपल, रोटेटिंग एक्शन जनरेट करेंगे, जब दो फोर्स काम करते हैं अप एंड डाउन डायरेक्शन में उसको बोलते हैं कपल, वो सीसा वाला झूला बेटा ना, सीसा, तो एक बच्चा ऊपर जाता है और एक बच्चा नीचे जाता है, क्लियर हुआ ना, तो यही होते हैं अपोजिट फोर्स काम करते हैं, ओके, हेंस द मैग्नेट विल रोटेट एंड एक्सपीरियंस ए टॉर्क। लेट्स देखते हैं टॉर्क की डेफिनेशन बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, याद आया, सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या, डिस्टेंस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, बेटा मैंने लगा दिया मैग्नीट्यूड क्योंकि वेक्टर से कौन पंगा ले इतनी जल्दी, समझ गए ना, बाद में बताऊंगा मैं, देखो हो क्या रहा है यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट बी की डायरेक्शन में घूमने की कोशिश कर रहा है, अभी आ जाएगा, अभी छोड़ो दिमाग में मत लो, पंगे अभी आ जाएगा, देखो बेटा टॉर्क आ गया, आ जाओ बेटा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू फोर्स क्या लग रहा है बेटा, एम बी, अब तो नहीं बोलोगे सर टू एम बी ले लो, एक ही लेगा ना, एम बी फोर्स हो गया, एम इंटू बी मैग्नीट्यूड, लगाना है तो बी लगा दो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो मैंने से लगा ही लिया, वैसे मत लगाओ, चलो एम बी इंटू डिस्टेंस, टू एल साइन थीटा होगी, भूल गया तो याद दिला देता हूँ, डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच की क्या होगी, एक ये फोर्स है एक ये फोर्स है,
तो दोनों के फोर्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, क्योंकि ये फोर्स और इस फोर्स की लाइन को बढ़ाओ, यही तो होगा, होगा ना। इसको मान लो कुछ देर के लिए x, क्या मान लिया x, देखो बेटा ये कितनी लेंथ है 2l, तो ये हो गई 2l, ये हो गई x, और ये क्या हो गया बेटा थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 12, सो x इक्वल टू कितना बन गया 2l साइन थीटा, लो आया समझ में ना, तो एम बी इंटू 2l साइन थीटा, क्लियर हुआ। टॉर्क का मैग्नीट्यूड चल रहा है, अभी कोई वेक्टर मैंने नहीं लगाया है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इक्वल टू बेटा 2 ले लो, m ले लो, l ले लो, 2m ले लिया इंटू कितना dv है, d साइन थीटा, समझ में आया नहीं आया, चलो देखो यहाँ पे 2ml है, 2ml क्या बन गया कैपिटल m, और ये बन गया b, और यहाँ क्या बन गया साइन थीटा, व्हाट इज दिस, दिस इज टॉर्क का मैग्नीट्यूड। अब अराउंड डायरेक्शन पे ध्यान से देखना, टॉर्क का मैग्नीट्यूड वेक्टर इक्वल टू, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू कैपिटल m कैपिटल b, ये तो दोनों मॉड हैं, साइन थीटा, बेटा जब भी कोई चीज घूमेगी ये कैसा घूमेगा बेटा, ऐसा था ऐसा घूमेगा, देखो क्योंकि ये फोर्स इधर खींच रहा है, ऐसे ही झटका मारेगा, और ये फोर्स इधर झटका मारेगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इस डायरेक्शन में घूमेगा ना, बोलो हाँ, तो इस डायरेक्शन में ये घूमना शुरू हो जाएगा, तो इसका जो वेक्टर जाएगा एक्सियल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन जाएगा, बोलो यस, रोटेशनल वेक्टर कहां जाता है बच्चे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देखो ना ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, तो कोई कैसा भी घूमे इसका रोटेशनल वेक्टर कहां जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर को क्या बोलता हूं बेटा मैं, एन कैप, आ गया समझ में, एन कैप, टॉर्क इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एन कैप क्या था, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की डेफिनेशन क्या थी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, तो यहां पे एक वेक्टर आएगा एन के ऊपर और एक वेक्टर आएगा, बोलो आया समझ में, क्लियर हुआ, तो ये है इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म या स्केलर फॉर्म, और ये है इसका वेक्टर फॉर्म, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम क्रॉस बी, डन, नोट करो, सो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, वंस अगेन बच्चों देखो यहां पे मैग्नेट कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा मेरी तरफ से बोर्ड के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो बेटा अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, सो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड इन टू द प्लेन, इन टू द प्लेन, ओके, सो डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इन टू द प्लेन कंटेनिंग एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, कंटेनिंग एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, डन। खुशी मेरे को एक बात बताओ, ये देखो ये एम था, ये क्या था एम था, और ये क्या था बी था, फाइनली घूमा कैसा था, ऐसा था, तो बताओ एम बी की तरफ गया था कि बी एम की तरफ गया था, इसकी तरफ गया था कौन, एम बी की तरफ, तभी आता है एम क्रॉस बी, अगर बी एम की तरफ जाता समझ गया ना, तो बी क्रॉस एम आता, बट फिलहाल एम किसकी तरफ गया, बी की तरफ, तो हमेशा रोटेटिंग क्वांटिटी वाला पार्ट हमेशा पहले आता है, क्योंकि वही तो घूमेगा, ये तो फिक्स है ना बेटा, तो एम क्रॉस बी ये है इसका फंडा, डन, नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, वर्क डन ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, हम कितना काम कर रहे हैं वर्क डन मैग्नेटिक डाइपोल को घुमाने के लिए, तो इनिशियली मान लेते बेटा ये वर्क डन जो डाइपोल है अपना मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, ऐसा यू रखा है यू, हम इसको थीटा टू पर घुमाना चाहते हैं, मतलब दूसरी पोजिशन पे लेना जाना चाहते हैं, ऐसे पल्ले पड़ा कुछ घुमा के ले जाना चाहते हैं, ये फील्ड जो है उस पर फोर्स लगाएगा, मना करेगा, है ना, वो चाहेगा और तू इधर घूम, हम घुमा रहे हैं ऐसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अब हमें निकालना है कितना काम करना पड़ेगा, वही फंडा, पहले छोटा सा काम, फिर कंटिन्यूअस वर्क है तो क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, याद आया, तो आपको याद होगा छोटा सा काम निकालते थे हम स्लाइडिंग फोर्स में, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, बट बेटा यहाँ पे टॉर्क है तो रोटेशनल फोर्स है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, टॉर्क डॉट बी थीटा, याद आया, टॉर्क डॉट डी थीटा, तो चलो पुट करते हैं बेटा एफ डॉट डी एस, और यहाँ पे आएगा टॉर्क डॉट डी थीटा, चलिए तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो हियर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाई डी थीटा, ओके, तो टॉर्क की वैल्यू रख दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क अभी निकाला बेटा आपके सामने, एम बी
साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ओके यहाँ डॉट हटा लेंगे, अच्छे से जाओ, ओके बस एम बी साइन थीटा इंटू कितना डी थीटा, टॉर्क इक्वल यही करा था अपने वहां पे भी, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बेटा डब्ल्यू लगाना है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, छोटे से काम का इंटीग्रेशन। नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, बेटा मूविंग कहां से स्टार्ट करिए, थीटा वन से कहां तक ले गए थीटा टू तक, तो इंटीग्रल में कहां से कहां तक आएगी लिमिट, थीटा वन टू थीटा टू, आया समझ में। नाउ एम बी बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यस, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा एंड थीटा वन से लेके थीटा टू, क्लियर बेटा, माइनस साइन बाहर निकाल लो, सो हियर इट वुड बी माइनस एम बी, क्या चल रहा है, वर्क चल रहा है, माइनस एम बी, माइनस एम बी कॉस थीटा, कॉस थीटा लिमिट थीटा वन से लेके थीटा टू, सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एम बी अपर लिमिट कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ओके माइनस साइन को अंदर डोल दो, मल्टीप्लाई कर दो, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, दिस इज द वर्क डन, ये है वर्क डन, हमारा काम जो रोटेट करने में किया गया, ओके ये है वर्क डन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी मतलब घुमाने में कितनी एनर्जी इसने स्टोर करी, घुमाने में कितनी एनर्जी स्टोर करी, बेटा इसके लिए आपको रेफरेंस मानना पड़ता है, रेफरेंस ये मानते हैं कि हम इस डाइपोल को 90 डिग्री एंगल से घुमा रहे हैं, स्टार्टिंग एंगल इसका हम लेते हैं 90 डिग्री और इसको लेकर के हम किसी भी थीटा एंगल तक ले जाते हैं, मतलब क्या किया, थीटा वन इक्वल टू क्या मानते हैं 90 डिग्री एंड थीटा टू इक्वल टू मनमर्जी एंगल थीटा, ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पे एनर्जी का रेफरेंस, जीरो एनर्जी रेफरेंस, क्या बोलते हैं जीरो एनर्जी रेफरेंस, ये हमारी समझ है, हमारी मान्यता है, कोई दूसरा भी मान सकता बट यही चला रहा है। तो चलो अब इसके बाद जो एनर्जी स्टोर करेगा वही उसकी स्टोर्ड एनर्जी मानी जाएगी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन जो होगा, जब आप एनर्जी की बात कर रहे हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यू में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका काम है बट सिस्टम की एनर्जी के लिए इसको हम बोलते हैं यू, ठीक है ना। तो यू इज इक्वल्स टू एम बी कॉस, पहला एंगल कितनी डिग्री बेटा 90, थीटा वन में कितनी डिग्री 90, माइनस कॉस ऑफ क्या थीटा, क्योंकि सेकेंड एंगल कितनी डिग्री थीटा, कॉस 90 कितना होता है जीरो, होता है कि नहीं होता, कॉस 90 इक्वल टू जीरो, एम बी यहाँ आ गया जीरो माइनस कॉस थीटा, मतलब कितना हो गया माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, ये हो गई एनर्जी। अब इसको फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो यू इक्वल टू एम डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा ए डॉट, क्लियर हुआ, नोट कीजिए ये है स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द डाइपोल, डाइपोल की स्टोर्ड एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ओके सो ये पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो